हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? सो आज मैं आप लोगों को नींबू का पिकल बनाना सिखाऊंगी। घर में कैसे बना सकते हैं, तो इस तरीके से नींबू को कट कर लें। ये सारे नींबू मैं कॉस्टको से लेकर आई थी, तो बहुत अच्छे निकले ये सारे नींबू, एक भी ख़राब नहीं निकला। ऐसे पीसेज में कट कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पर अब मैं नींबू में डालूँगी थोड़ा सा हींग पाउडर, जो कि स्वाद में बहुत अच्छा टेस्ट देता है नींबू के अचार में। एंड उसके बाद मैं डालूँगी सॉल्ट। सॉल्ट आपको थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, किसी भी अचार में ज़्यादा रखेंगे ना तो उससे क्या होगा कि अचार ख़राब नहीं होगा, प्रिजर्वेटिव का काम करता है। उसके बाद टर्मरिक डालना है, हल्दी पाउडर डालना है, उसके बाद रेड चिली पाउडर डालना है। और हम अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरा मसाला नींबू में अच्छे से नींबू में कवर हो जाए, और इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो गाइज़, मैं US में रहती हूँ, इसी तरीके से मैं अचार डालती हूँ, हर साल डालती हूँ नींबू का अचार। और बस इसको पैक कर इसको रख देंगे, यहाँ पर धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी जगह। हाय गाइज, तो मैं इसी तरीके से नींबू का अचार बनाती हूँ, हर साल बनाती हूँ, क्योंकि इंडिया से लाना मुश्किल हो जाता है अचार हर साल, क्योंकि इंडिया जाना भी नहीं हो पाता। तो नींबू का अचार सबका फेवरेट होता है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ और इसको ना पैक करके रख देती हूँ। हो सके तो आप कांच के कंटेनर में रखें उसे, ग्लास कंटेनर में। मेरे पास उस समय नहीं था, ये थोड़ा सा पुराना वीडियो है मेरा, मेरे पास क्लिपिंग पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्योंकि नींबू का अचार बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इसको इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ईजिली बन जाएगा। उसको रख दें, किसी भी जगह पर आप घर में रख सकते हैं, और फिर कुछ दिनों में आपका अचार बनकर रेडी हो जाएगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें गाइज, और लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।